सत श्री अकाल फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके? फ्रेंड्स, ये आज हम आपको अपने गार्डन में नहीं, मेरी फ्रेंड है उनके गार्डन में लेकर आई हूँ मैं। तो आज मैं आपको अपनी फ्रेंड का गार्डन दिखा रही हूँ। काफ़ी देर से वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारे गार्डन का भी वीडियो बनाएं ज़रूर। खुशी होती है फ्रेंड्स, जब हमने मेहनत की होती है तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी तारीफ भी मिल जाए। तो फिर मैं आई थी आज उनके घर। उन्होंने अपना किचन गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। ये उन्होंने बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, जिसको बैंगनी बोल देते हैं हमारे यहाँ, छोटे बैंगन होते हैं। बहुत बढ़िया बैंगन इसमें आ रहे हैं, 10-12 ही पौधे हैं, लेकिन उनका घर में बैंगन यूज़ करके भी काफ़ी बैंगन बच जाते हैं। तो ऐसे कुछ है उनका किचन गार्डन, ज़मीन में ही है सारा। ये अमरूद का पेड़ है उनका, उन्होंने कटिंग कर दी थी नीचे से, काफ़ी ज़्यादा इसकी शूट्स और निकल रही हैं और इसमें अमरूद आए भी हुए हैं, अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी अमरूद इसमें आते हैं और काफ़ी मीठे भी होते हैं। मिर्ची के प्लांट्स कुछ लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एलोवेरा के पौधे एक लाइन से लगाए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। एलोवेरा आप जानते ही हैं, एक मेडिसिनल प्लांट है, ये हमारे काफ़ी काम आता है, कटिंग लगाने में भी एलोवेरा का यूज़ होता है, घर में भी स्किन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, बालों के लिए भी। तो ये क्यारी अभी खाली है, इसमें वह लहसुन लगाएंगे। ये सरसों लगाई हुई है उन्होंने, पहले थोड़ी कम निकली थी और अभी उन्होंने और बीज डाल दिया है। इसके साथ ही ये जो पतली क्यारी है, ये ब्रोकली की है, इसमें उन्होंने ब्रोकली के छोटी छोटी पौध बनाकर लगा दी है, बीज से ही उन्होंने पौध तैयार की है। रेन लिली के प्लांट्स उनके गार्डन में अभी तक खिल रहे हैं। और ये देखिए अमरलिस का प्लांट भी, ये गर्मी में ही फूल देता है, लेकिन ये प्लांट इनके गार्डन में अभी भी फूल दे रहा है। देखिए कितना बड़ा और कितना सुंदर फूल इसका अभी भी खिला हुआ है। ये चीकू का प्लांट है, ये तकरीबन 1 साल का होने वाला है, काफ़ी हाइट कम है इसकी, तो चल रहा है बहुत अच्छे से। उम्मीद है 1-2 साल में ये भी फ्रूटिंग करेगा। एमरलिस के ये एक साथ ही इन्होंने फूलों वाली क्यारी अलग से बनाई हुई है। गार्डनिंग में इन्होंने ये गोभी भी लगा रखी है, गोभी के पौध हम लाए थे एक साथ ही नर्सरी से। देखिए फूल कितना सुंदर, गोभी में फूल भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो गोभी खाने के लिए तैयार है। ये धनिया और पालक की क्यारियाँ हैं चारों तरफ। फ्रेंड्स, इन्होंने फलों वाले पेड़ लगाए हुए हैं और सेंटर में ही किचन गार्डन तैयार किया हुआ है। अमरूद का, आम का, चीकू का और दूसरी तरफ भी अमरूद का ही पेड़ है और एक नीम का पेड़ भी इन्होंने लगाया हुआ है, जिसके पत्तों का ये उबालकर स्प्रे अपने पौधों में किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए करती हैं, उसके अलावा कोई और नहीं। कोई भी रासायनिक खाद का ये यूज़ नहीं करती हैं, गोबर के उपले की जो खाद होती है उसको भिगोकर उसको ही इन सब्जियों में डालती हैं। और उसके अलावा गोबर की खाद भी इन्होंने मंगवाई है, यहाँ खेतों में हमारे गांव में मिली जाती है, वहाँ से वो ले आती हैं। इसके अलावा कोई भी और खाद का यूज़ नहीं करती। और नींबू देखिए, इनके यहाँ नींबू इतने ज़्यादा हो गए थे कि गल कर नीचे ही गिरने लगे, तो इन्होंने थोड़ा कटाई छटाई करके इसको अच्छे से मेंटेन कर दिया है। कैसा लगा आपको मेरी फ्रेंड का गार्डन, ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।